एक्सरसाइज 10.2 जैसे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है उसका पहला क्वेश्चन अभी हम करने जा रहे हैं बिल्कुल उसी तरह से ही है जैसे हम अभी एक्सरसाइज 10.1 करके हैं. सो डोंट वरी अबाउट दिस नेक्स्ट एक्सरसाइज लाइक 10.2. द क्वेश्चन नंबर 1 इज प्रूव दैट एनी टू मीडियंस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल इन मेयर्स. यानी आपको क्या करना है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लेना है फिर उसके दो कोई से मीडियंस वो कह रहा है वो लीजिए और उन दो मीडियंस को आपने प्रूव करना है कि उन मीडियंस की लेंथ जो है वो इक्वल है या नहीं. लेकिन क्योंकि इस स्टेटमेंट के अंदर दो तीन चीज़ें यूज़ ऐसी हो रही हैं जिनके बारे में थोड़ा सा शायद मैं पहले नहीं बता के आया हूँ या शायद मैंने पहले बताया भी है तो वो रिकॉल करवाना चाहता हूँ. एक्चुअली मेरा थोड़ा सा यार गला ख़राब है तो प्लीज़ डोंट माइंड सॉरी अगेन. अच्छा पहले नंबर पे हमें पता होना चाहिए कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों लाइक दिस. ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा अगर फॉर एग्जांपल ये लेंथ ए बी ये इक्वल हो लेंथ ए सी के और ये लेंथ इक्वल हो बी सी के. लाइक ये तीनों लेंथ्स क्या होनी चाहिए इक्वल. ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों लेंथ्स इक्वल हो हम उसको क्या बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो अगर तीनों लेंथ्स इक्वल हैं तो अंडरस्टूड है कि ये तीनों एंगल्स भी फिर क्या होंगे इक्वल ही होंगे. क्योंकि ये तीनों लेंथ्स इक्वल हैं तो फिर ये तीनों एंगल भी इक्वल होंगे. लाइक जितना ये एंगल है वही ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा. उसका मतलब ये होगा कि ये ट्राइंगल के टोटल एंगल्स कितने होते हैं अगर उनका सम करें तो 180. तीन एंगल्स हैं तीनों एंगल्स का सम करें तो 180. और चूंकि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं तो आप 180 को 3 पे डिवाइड कर दीजिए तो आंसर आएगा 60. तो हर एंगल क्या होगा 60 डिग्री. मतलब एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के और एंगल ए बी दोनों इक्वल होंगे एंगल सी के. मतलब हर एंगल आपका 60 डिग्री का होगा. वैसे वो लिखने की जरूरत नहीं है बस आपको तो ये चाहिए दैट इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर. लाइक एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी. एक और चीज बेटा जो आप लोगों को यहां पे पता चली वो ये है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड्स लाइक ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी ये तीनों साइड्स एक दूसरे के क्या होते हैं इक्वल होते हैं. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का पता चल गया. फिर इसके बाद उसने एक वर्ड यूज किया मीडियन का. यानी मीडियन मीडियन क्या होगा. मीडियन वो होगा जो आपके पास इस साइड का इस एक साइड का मिड पॉइंट होगा. अब वो मिड पॉइंट कैसे लिया जाएगा अगर यहाँ से लेके यहाँ पे एक आप स्ट्रेट लाइन गिरा देते हो तो ये मीडियन होगा. इसी तरह यहाँ से अगर आप यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन दे देते हो ये मीडियन होगा. फिर यहाँ से इस लेंथ के ऊपर अगर एक साइड गिरा देते हो इस साइड के ऊपर एक लेंथ गिरा दो तो ये तीनों क्या है एक्चुअली मीडियंस हैं. ये पॉइंट और ये पॉइंट. ये पॉइंट जो मैंने लिया है पॉइंट फॉर एग्जांपल टी है तो ये पॉइंट टी इज द मीडियन ऑफ बी सी. सिमिलरली पॉइंट इसको अगर मैं आर ले लेता हूं तो पॉइंट आर इज द मीडियन ऑफ ए सी एंड पॉइंट इसको मानो एस ले लिया पॉइंट एस इज द मीडियन ऑफ लेंथ ए बी. अब यहां से हमें ये पता चला दैट मीडियन इज द मिड पॉइंट. मिड पॉइंट से निकला है मीडियन और मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली सेंट्रल पॉइंट. एग्जैक्टली वो पॉइंट जो एक लेंथ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे उसको क्या बोलते हैं मिड पॉइंट. ठीक है तो सपोज आपके पास ये लेंथ हो ये जिसकी ये लेंथ है 10 सेंटीमीटर्स तो इसका मीडियन क्या होगा. इसका मीडियन होगा एग्जैक्टली सेंटर जो 5 सेंटीमीटर पे आ रहा होगा एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट. अब इसका मतलब ये हुआ कि इससे पीछे भी 5 सेंटीमीटर है और इसके इस पॉइंट के बाद भी 5 सेंटीमीटर हो तो टोटल मिलके 10 हो गया. तो ये वो पॉइंट है जिसके पहले भी 5 और बाद में भी 5. मतलब ये मिड पॉइंट जो है उस लेंथ को दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता है. तो यहां से मैं ये पता चला कि जब आपने एक मीडियन जो है वो लिया पॉइंट एस कहां पे ए बी के ऊपर. एक्चुअली ये बनाने की मुझे जरूरत नहीं है या बने भी रहने दे तो भी ये हमें आगे काम आएगी. ये ली तो बाय द वे हम यहां पे दोबारा से नहीं ड्रा करेंगे ये आपको समझाने के लिए. तो ये जो 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 चीज समझा रहे हैं बेटा वो समझेगा वो ये है कि पॉइंट ए बी का मीडियन क्या है यानी लेंथ ए बी का मीडियन क्या है एस. और एस वो पॉइंट है जिसने ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. अब अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो फिर जितना डिस्टेंस ए से एस तक है उतना ही डिस्टेंस एस से बी तक हुआ. सिमिलरली ये जितना डिस्टेंस ए से आर तक है उतना ही डिस्टेंस आपके
आपके पास होगा आई गेस आर से सी तक, और उतना ही डिस्टेंस ये भी होगा जितना डिस्टेंस टी से सी तक है, उतना ही डिस्टेंस बी से टी तक भी हुआ। अब ये सारे डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस इसके इक्वल है, ये डिस्टेंस इसके इक्वल है, ये सारे डिस्टेंस जो मैंने जहां पे दो दो लाइनें ऐसे ड्रॉ करी हैं वो सारे यहां पे थोड़ा ऑड लग रही है, मतलब जो दोबारा से एक दफा मैं बताना चाह रहा हूं वो ये है कि ये अगर आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी और इनका ये मिड पॉइंट है, ये अला और ये अला, अगर मिड पॉइंट है तो ये मीडियंस हुए, ये चीज और ये चीज, जब ये मीडियन बने तो फिर उसके बाद जो ये पॉइंट मैंने लिया था एस टी और आर, अब वो ये मैं कहना चाह रहा हूं ए से आर तक का जो डिस्टेंस है ये वाला, ये इक्वल होगा आर से बी तक, और जितना डिस्टेंस आर से बी है उतना ही डिस्टेंस बी से टी तक है, और वही डिस्टेंस टी से सी तक है उतना ही डिस्टेंस ये है और सेम डिस्टेंस ये। अब इसकी वजह पूछेंगे आप क्या, ऑब्वियसली इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स क्या होती हैं, लेंथ में इक्वल होती हैं, तो जितनी लेंथ ये है वही ये है, ये भी वही है, तो अगर हर लेंथ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो ऑब्वियसली उसका ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होंगे, इसका ये इसके इक्वल होगा, इसका ये इसके इक्वल होगा, तो फिर ये सारे पार्ट्स भी एक दूसरे के क्या बन जाएंगे, इक्वल बन जाएंगे, ये है एक्चुअली मीडियन से। अब हमें उन्होंने कहा क्या है, वो ये कह रहे हैं दैट प्रूव दैट एनी टू मीडियंस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल इन मेजर्स, लाइक ये जो आपने मीडियन लिया है ए टी, ये इक्वल किसके प्रूव करना है आपको बी एस के, या फिर ये इक्वल किसके प्रूव करना है आपको आर सी के, तो दो कोई से भी मीडियंस आपको प्रूव करने हैं, भले आप एस बी को इक्वल प्रूव कर दीजिए आर सी के, या फिर ए टी को प्रूव कर दीजिए एस बी के, या फिर ए टी को प्रूव कर दीजिए आर सी के इक्वल, तो कोई से दो आपने इक्वल प्रूव करने हैं, ये वो एक्चुअली यहां से हमसे चाह रहा है। तो यहां से ये चीजें बनाने के बाद अब आप क्या करेंगे, जो चीजें हमें गिवन है यहां पर हम ले लेते हैं रीजन या स्टेटमेंट ले लेते हैं, और दूसरी साइड पे हम देते जाएंगे इसी का रीजन। हाँ, और हमें प्रूव क्या करना है, हम प्रूव करने क्या जा रहे हैं, एक्चुअली हम प्रूव करने जा रहे हैं कोई सी दो ट्रायंगल्स में, एक ये ट्रायंगल ले लेता हूं और एक मैं ये ली ट्रायंगल ले लेता हूं, मैं ये प्रूव करने जा रहा हूं आर सी इज इक्वल्स टू बी एस। अब जो चीजें हमें गिवन है अगर वो आप लिखना चाहते हैं यहां पे तो वो लिख सकते हैं हम, मैं इसे थोड़ा सा साइड पे करके लिख लेता हूं आर बी एस इज इक्वल्स टू आर सी, ये दो मीडियंस को मैं क्या करने जा रहा हूं, इन दो लेंथ को इक्वल प्रूव करने जा रहा हूं, प्रूव दैट। और हमें गिवन क्या है, एक्चुअली गिवन है हमें ए बी इज इक्वल्स टू लाइक ये एंगल बी जो है यहां पे जो एंगल बन रहा है एंगल बी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल ए, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं और तीनों लेंथ भी इक्वल होती हैं, ए बी इज इक्वल्स टू ए बी सी इज इक्वल्स टू ए सी, ये हमें चीजें हैं गिवन। और हमें ये भी गिवन है आर बी इज इक्वल्स टू ए आर, आर बी इक्वल्स टू ए आर, और सिमिलरली एस सी इक्वल्स टू बाकी सारी चीजें ये भी बी टी इक्वल्स टू टी सी, बी टी इक्वल्स टू सी टी, ये चीज और ये सारी चीजें आपस में इक्वल हैं एस सी इक्वल्स टू ए एस, ये। अब हम इसकी तरफ आते हैं रीजंस की तरफ और प्रूव भी करते हैं। मैं क्या कर रहा हूं कि मैं कोई सी दो ट्रायंगल्स ले रहा हूं, यहां से एक ट्रायंगल आप देखिएगा बेटा गौर से, ये आर से स्टार्ट कर रहा हूं, आर से लेके बी और सी तक एक ट्रायंगल मेरे पास बन रही है, ये वाली ट्रायंगल में कौन सी ले रहा हूं, कॉरेस्पॉन्डेंस ले रहा हूं मैं इन कॉरेस्पॉन्डेंस, एक आर बी सी ट्रायंगल आर बी सी, और इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस ले रहा हूं मैं ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल मैं ये लेने जा रहा हूं एस बी सी, एस बी सी
एस बी सी, ये दो ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस। अगर मैं इन दो ट्राइंगल्स को प्रूव कर देता हूं कि ये दोनों क्या हैं, कॉन्जुरेंट, तो फिर मैं ये प्रूव करने में भी कामयाब हो जाऊंगा कि आर सी इक्वल है एस बी के। अब देखते हैं वो कैसे। लाइक आपको पता है बेटा कि ये जो लेंथ है आपके पास ये नजर आ रही है, ये वाली बी सी, बी सी जो लेंथ है ट्राइंगल आर बी सी में, बी सी जो है वो इक्वल है बी सी के, क्योंकि ये कॉमन है। देखिएगा कैसे, ये दोनों ट्राइंगल के अंदर एस बी सी भी आ रहा है और आर बी सी भी आ रहा है। तो देखिए ये बी सी दोनों के अंदर सेम आ रही है, तो फिर ये दोनों के लिए कॉमन है, तो ये तो हो गई आपके पास इक्वल। और इसके बाद अगर आप देखें तो ये जो एंगल है, एंगल ये वाला आर बी सी यानी एंगल बी, एंगल बी ये आपको नजर आ रहा है कि एंगल ये वाला जो है एंगल सी, एंगल सी जो है, एंगल बी और एंगल सी भी एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। क्यों भला इक्वल है, ये अभी हमें ऊपर भी हम लिख के आए हैं, ये चीज हमें गिवन है। और गिवन क्यों है, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो जो एंगल ये वाला होगा यहां से लेके यहां तक, ये एंगल बी जो है ये वाला, वो एंगल इक्वल होगा यहां से लेके यहां तक जो एंगल सी पूरा एंगल है। तो ये अगर एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि ये दोनों इक्वल है। और यहां पर रीजन देने की, आप देने के लिए इतना ही लिख सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, इक्विलेटरल या खाली ये लिख ले कि गिवन है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर गिवन है, उन्होंने खुद बताया, तो ऑब्वियसली फिर इसके इंटीरियर एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हमारे पास रह गई एक साइड और प्रूव करना, क्योंकि हम एक साइड और एक एंगल तो प्रूव कर चुके हैं। ये मैं अभी आपको बता चुका हूं कि ये वाली जो साइड है आर बी, ये इक्वल है आपके पास ए आर के, और ये इक्वल है बी टी के, यानी ये जो जितनी भी ये हाफ हाफ दो दो लाइनें आपको नजर आ रही हैं, जो हमने यहां पे भी लिखी है एस सी इक्वल्स टू ए एस इक्वल्स टू आर बी, ये सारी अब छह पार्ट्स अगर बनाएं तो ये सारे क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं। तो फिर इन कॉरेस्पॉन्डेंस आर बी सी जो हमने पहले लिखा है, उसके अंदर जो ये साइड अगर आप देखें आर बी, तो वो इक्वल आ रही है इस साइड के एस सी के। तो आप ये लिखिए आर बी is equals to S C। अब देखिए आपके पास दो साइड्स क्या आ गई हैं इक्वल, हाँ यहां पे ये लिखिए मिड पॉइंट्स, बल्कि मीडियन लिख लीजिए, मीडियन ऑफ द साइड्स लिख लीजिए, मीडियन साइड्स, या ये भी आप लिख सकते हैं गिवन है, बल्कि बेहतर है कि ये भी आप लिख लें गिवन है, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे गिवन की स्टेटमेंट दे चुके हैं कि ये सारी चीज़ें इक्वल हैं। यहाँ से देखिए आर बी इक्वल्स टू एस सी, तो आपको नजर आ जाएगा आर बी इक्वल एस सी, इसलिए हमने यहाँ पे ये भी गिवन लिख दिया। अब इस कॉरेस्पॉन्डेंस से आपको ये लग रहा होगा कि जो ट्राइंगल है, देखिए कौन सी चीज़ें हमारे पास इक्वल आ गई, एक ये साइड इस साइड के इक्वल आ गई, एक ये साइड इस साइड के इक्वल आ गई, और ये दो एंगल भी इक्वल, तो दो साइडें इक्वल आ गई और एक एंगल इक्वल आ गया, तो फिर आपके पास ऑब्वियसली ये दोनों ट्राइंगल्स, ट्राइंगल आर बी सी इज इक्वल्स टू ट्राइंगल एस बी सी, उसकी रीजन अगर देना चाहते हैं तो ये कॉन्जुरेंट हो गई है, तो रीजन देना चाहते हैं तो रीजन आप लिख सकते हैं साइड एंगल साइड, साइड साइड एंगल पोस्टुलेट। हेंस अगर ये इक्वल है तो फिर आप लिखेंगे हेंस आपकी जो मीडियन है, ये एस बी मीडियन है और आर सी मीडियन है, एस बी इक्वल्स टू, एस बी इज इक्वल्स टू आर सी, हेंस यहां पे लिख दीजिए प्रूव्ड, दैट्स इट। तो ये था आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर टू जो है बाय द वे, वो कह रहा है प्रूव दैट अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट, यानी एक लाइन है जिसका, फिर से पढ़ते हैं, प्रूव दैट अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट, यानी एक लाइन सेगमेंट लीजिए और उसका जो एंड पॉइंट है वो लीजिए, वो कह रहा हूँ वो इक्विडिस्टेंस है इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट, जो लाइन
लाइन सेगमेंट का जो राइट बाइसेक्टर हो, लाइक ये अगर सपोज इस तरह से आपके पास लाइन है तो इसका राइट बाइसेक्टर ये वाला होगा, तो वो कह रहा है क्या ये पॉइंट और ये पॉइंट और सिमिलरली ये पॉइंट और ये पॉइंट इक्विडिस्टेंस है कि नहीं, तो ये आप कोशिश कीजिए बिल्कुल इसी तरह से ट्राइंगल बनाने के बाद। और अगर ये नहीं आपको होगा, हाँ, करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, तो डेफिनेटली हम आपके लिए ये भी सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज आपकी 10.3 जो है वो और 10.4 भी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।